तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम जाएंगे एक नए देश जिसका नाम है ग्रेनाडा। और मैं थोड़ा जल्दी उठ के आ गया, अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं, 5-10 मिनट पहले आ गया था मैं, क्योंकि मैं सोच रहा था यार, बहुत मैं सोच रहा हूँ कि सनराइज़ देखेंगे, पर देखने का वही नहीं हो रहा कि उठ ही नहीं पा रहे हैं कि सीधा ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और इस शिप रात को भी मतलब इस टाइम पे चलता है कि सनसेट हो ही जाता है और सनराइज़ से पहले पहुँचा भी देता है, पर आज थोड़ा सनराइज़ के बाद पहुँचेंगे। यहाँ से ग्रेनाडा दिखना शुरू हो गया है, बस अभी आपको मैं थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। वो जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो वो है पूरा ग्रेनाडा का आइलैंड, पूरे का पूरा दिख रहा है। देखो वहाँ टिप से वहाँ टिप तक, आप सोच सकते हो अब कितने क्या बड़े आइलैंड है, मतलब पूरे एक शिप से पूरा दिख रहा है। अब कुछ ऐसे जाके मतलब रिवर्स में ही लगाता है हर बार कैप्टन ना शिप, ताकि निकलने में दिक्कत ना हो, रात हो जाती है ना निकलते टाइम, पता नहीं क्या क्यों लगाते हैं रिवर्स में, पर भाई रिवर्स में लगाते हैं शिप हमेशा, अभी तक तो यही देखा है मैंने। और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, मतलब 5 या 7 मिनट में हो जाएगा, और मेरे को लग रहा है तब तक हम आइलैंड के पीछे चले जाएंगे, फिर कुछ दिखना नहीं है। और मौसम मेरे को ना ये वाला ऐसा मौसम पसंद है यार, बादल हों पर बारिश ना हो, अपना ठीक ठंडी ठंडी सी हवा चलती रहती है। और यहाँ पे सुबह रॉयल कैरेबियन वाले गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। और अभी उस तरफ लगा देंगे जब पार्क करेंगे तो रॉयल कैरेबियन का झंडा, और उस तरफ लगा देंगे ग्रेनाडा का झंडा। वो हो गया भाई सनराइज़, मतलब जो अपने शिप का कैप्टन है वो निकलने से पहले पिछली रात को अनाउंस कर देता है इस टाइम सनराइज़ होएगा, अगर किसी को भी देखना है तो आ सकता है। और मतलब लेवल पे ही है समुंदर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही हुआ है बिल्कुल। देखो कैसा मस्त लग रहा है यार, अब तो रोज आके देखा करूँगा मज़ा। अबे बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है यार ये, तो देखना बनाते वीडियो ही आ गया यार ऊपर भाई। मैं आंखों सच में बता सकता हूँ भाई, अभी 31 सेकंड की वीडियो हुई है और बड़ा तेज़ ऊपर आया है भाई ये। देखो आपको भी समझ में आ गया होगा कितना तेज़ आया ऊपर। तो ये हम पहुँच गए हैं सेंट जॉर्ज ग्रेनाडा। तो भाई यहाँ पे रेनबो भी आ गया है और लगभग डॉक हो चुके हैं, और वहाँ पे लग गया है ग्रेनाडा का फ्लैग। वो है ग्रेनाडा का फ्लैग, येल्लो ग्रीन रेड क्या। मैं तो अपने कैबिन में था और रेनबो दिखा मेरे को, इस तरफ है अपना रूम इस तरफ, तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं यार, रेनबो तो मस्त लग रहा है। और ये आ गया ग्रेनाडा। आज हमने क्या डिसाइड किया है, 5:30 बजे चलेगा क्रूज, तो हम सीधा लंच ही करने आएंगे, सीधा 11 बजे पूरा ठूस के खा लेंगे, और 11:30 12 बजे तक हम बाहर निकल जाएंगे, 5.5-6 घंटे मस्त घूमेंगे। और मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वगैरह भी, हाँ कहीं बार की शॉप तो ट्रिम वगैरह करा लूँगा। वहाँ से तो अच्छा लग रहा है आइलैंड, और बस अभी डॉकिंग चली रही है अपने जहाज की, वहाँ पे ग्रेनाडा का वो भी है वेलकम टू ग्रेनाडा। और शहर भी यार काफ़ी सुंदर लग रहा है। जो है ना वो 11:30 शुरू हो जाता है और हम 11:28 पे ही आ गए। अब लेते हैं हेलो, और बिल्कुल खाली पड़ा है। अब मैं आपको सही तरीके सब दिखा सकता हूँ भाई, कितने काउंटर हैं आप सोच नहीं सकते यार, उतने काउंटर हैं, मतलब 100-150-200 काउंटर ही होंगे यहाँ पे। नूडल सलाद पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। मैं तो सबसे पहले इंडियन खाना ढूंढता हूँ क्योंकि इंडियन यहाँ होता है। हाँ देखो चिकन टिक्का मसाला है, आज एक इंडियन खाना होता ही है, पर ये मतलब मसालेदार होता नहीं इतना, पर ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो क्या क्या फ्राइज़, ये फ्राइड चिकन, सूप वूप सब मिलता है भाई यहाँ पे, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, मस्त है यार ये लाइफ।
मतलब मैं पूरे टाइम तो नहीं जी सकता ये लाइफ, पर हाँ एक हफ्ता तो जी सकते हैं। तो भाई मैं तो आ गया बाहर, 12:30 हो रहे हैं अभी, 5:30 बजे, आज भी 5:30 का जाने का टाइम है, पर अमीर अभी रेडी हो रहा है। हम आराम से उठे, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ लंच करके आ गए हम। तो चलते हैं घूमते हैं, थोड़ी देर में आ जाएगा, 15-20 मिनट में। तो यहाँ पे एक पास में एक फोर्ट है, यहीं से दिख रहा है, और एक शायद चर्च है जो मेरे को दूर से दिख रहा है, वो तब तक हम विजिट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के चलेंगे, मैं ट्राई करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की। एक वाटरफॉल है, बड़ा सुंदर सा लग रहा था भाई फोटोज़ में, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। 7 किलोमीटर है, जाने को पैदल भी जा सकते हैं, पर आप देख रहे होगे ग्रेनाडा का जो टेरेन है ना, वो थोड़ा पहाड़ी टाइप है, तो इसमें पैदल नहीं चल पाएंगे, और थोड़ी धूप भी आज, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता ही होगा, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी छोड़ दिया तो 1-2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे। और अभी मैं मतलब ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाता इन देशों में, क्योंकि देखो खाने का कुछ नहीं दिखा सकते। खैर मैं जाता तो इंडियन रेस्टोरेंट ही हूँ, पर वो भी चलो दिखाने को तो होता ही है। और थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं खाते हम बाहर, क्योंकि भाई पैसे पहले शिप पे दे चुके हैं, बाहर भी खर्च करेंगे तो डबल खर्चा हो जाएगा, और फिर ना हम कोई ट्रांसपोर्टेशन लेते ना इमिग्रेशन पार करते, तो एक तरह से बस मतलब यही है यार, क्रूज़ लाइफ मतलब वही है। मैं आपसे कह ही रहा था कि मैं क्रूज़ मेरे को अच्छा लग रहा है, पर एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। वर्ल्ड क्रूज़ भी होते हैं भाई, कोई 115 दिन का एक वर्ल्ड क्रूज़ भी होता है, उसका खर्चा कुछ 10-11 लाख रुपए होता है बस, ज़्यादा महंगा भी नहीं, मतलब सबसे सस्ते रूम का होगा ऑब्वियसली बात है, वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता यार। सेम रेस्टोरेंट में रोज जाके खाना खाओ, सेम जगह पे घूम रहे हैं 115 दिन तक, तो वो तो भाई देखो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। कोई कर सकता तो कर लेना, मेरे लिए 7 दिन का क्रूज़ सही है, और कभी फ्यूचर में मौका मिला कभी 2-4-5 दिन का करते रहा करेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत तो लाइफ सही चलती है, चेंजेस होते रहे ना लाइफ में। तो और देशों की तरह बस वेलकम टू ग्रेनाडा, कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आओ और बाहर निकल जाओ, एग्जिट बस, और कुछ नहीं। भाई अभी मैं बाहर आ गया था, और यहाँ पे ना एक छोटी सी मिनी टाइप ट्रेन चलती है, और मेरे को लगा बड़ी महंगी होगी, मैंने ऐसी रेट पूछ लिया, तो कहती $15 है, मतलब $15 मतलब 1200 रुपये होते हैं, तो मेरे को ना अफोर्डेबल लगा कि चलो 1200 रुपये में वॉकिंग छोड़ो ट्रेन में, मतलब एक छोटी सी टॉय ट्रेन टाइप है, उसमें शहर में घुमाएंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा लोकल करेंसी में लोगे आप पेमेंट, तो कहते हैं हाँ ले लेंगे, $15 की कुछ $40 इन्होंने लोकल करेंसी में मांगे हैं, तो वो मैं अभी ATM से आपको लोकल करेंसी भी दिखा देता हूँ यहाँ की, और फिर चलेंगे अपना ट्रेन पे। अगला डिपार्चर 1/2 घंटे बाद है, तो पैसे वैसे निकलवा लाते हैं और फिर चलेंगे अपना ट्रेन में बैठ के। भाई ये जो देश यूज़ करते हैं उसका नाम है ईस्ट कैरेबियन डॉलर, और ये सिर्फ इस देश में नहीं, कम से कम 10 देशों और टेरिटरीज में यूज़ होता है। ऑल मनीज आर डिस्पेंस इन लोकल करेंसी, हमको लोकल ही चाहिए भाई, सेविंग्स हमको देते भाई, क्योंकि काफ़ी जगह यूज़ होएगा, तो 460 निकलवा लेते हैं, अगर निकलेगा तो पता नहीं निकलेगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास 462 बचे हैं, निकल जाए तो ठीक है। तो निकाल दिए भाई 460 कैरेबियन, ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स। तो ये है $100 का, दिखाता हूँ। कैसे दिखाई देता हूँ, ये ग्रेनाडा का झंडा है भाई, और ये है वो ट्रेन छोटी सी, ठीक है अपना, इतनी धूप में कौन घूमेगा यार, 1200 रुपये खर्चा करके इसमें चलते हैं भाई। ईस्ट कैरेबियन डॉलर की करेंसी, सबसे बड़ा नोट है ये 100 का, और इसको अगर आप 2.7 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा डॉलर का प्राइस, और इंडिया में आपका ये 100 का एक नोट है भाई इक्वल टू 3000। और ये देखो इसके पीछे ही देश छाप रखे हैं कि कौन कौन से देश ये करेंसी यूज़ करते हैं, ग्रेनाडा यूज़ करता है, सेंट विंसेंट यूज़ करता है, सेंट लूसिया, डोमिनिकन, एंटीगुआ एंड बारबुडा, एंगुइला, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस, अच्छा ये सेंट किट्स एंड नेविस होगा, मोंटेस्ट्रार, ये सारे देश ये वाली करेंसी यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ज़्यादा निकलवा ली,
क्योंकि आगे यूज ही आनी है और सिक्के भी हैं इनके, वो मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। बढ़िया है यार, करेंसी काफी सही लगी मेरे को। पीछे आ गई एक काली ट्रेन, ये वाली ज्यादा सही लग रही है मेरे को, पीछे वाली नहीं, अपने वाली ज्यादा सही है, थोड़ा चटकीला रंग है, बीच वाइब्स। बढ़िया जोर लग रहा है ट्रेन का खींचने में ना। तो कहां से आए हम? पावरफुल है भाई ट्रेन, ये तो मान गए, अच्छा इंजन है। आ गया भाई फोर्ट जॉर्ज, जो मतलब मैं चल के आने वाला था, बहुत ऊंचाई पे है भाई ये, इस पे चल के आने में तो काफी टाइम लग जाता। सही है ट्रेन सी ले ली, धूप भी ज्यादा हो रही थी। तो ट्रेन ही बोरिंग ही, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, पर टाइम कम हो तो क्या कर सकते हैं। वैसे अच्छी जगह लाके रोका है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से नज़ारा। शिप खड़ा है ना उस चर्च, वो जो चर्च है उसके भी उस तरफ खड़ा है, तो पूरा इस वाली रोड से ऐसे 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 आके यहाँ पे आए हम। और ये देखो यार पानी मतलब कैसा सा लग रहा है, और ये मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे यूरोप में आ गए ना, जैसे रंग बिरंगे घर से। अगर आपको नहीं पता है तो जो ग्रेनाडा था उसको ढूंढा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में, उससे पहले यहाँ पे लोकल लोग रहते थे। उसके बाद 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा, और उसके बाद फिर वही फ्रेंच आ गए, इससे पता नहीं कौन कौन आ गए यहाँ पे राज के, इन यूरोपियंस ने आके, और फिर आखिरी में यूनाइटेड किंगडम ने राज किया। ठीक है, तो इनके नोट पे क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो है इसी की वजह से, क्योंकि उसको हेड ऑफ़ द स्टेट मानते हैं। जैसे यूके में क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सब में क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो है, फिजी में, तो ये सारे देश ना क्वीन एलिजाबेथ को हेड ऑफ़ स्टेट मानते हैं, इसलिए उनकी फ़ोटो है। और अब क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ हो गई है, उसके बाद बाय द रूल्स तो ये होना चाहिए कि सारे नोटों पर से फ़ोटो हटा के, मतलब सारे नोटों को चेंज करना है, किंग जो नए बनेंगे चार्ल्स उनकी फ़ोटो से, पर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बड़ा खर्चीला प्रोसेस है ये, कितने देशों को चेंज करना पड़ेगा वो सोचो, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। देखते हैं किंग चार्ल्स की फ़ोटो कब से आनी शुरू होती है नोटों पे, सारे देशों को चेंज करनी पड़ेगी अपनी, तो बड़ा ही बिलियन डॉलर का खर्चा है, पर चलो जो भी है सही है। पर एक बात है यार, जो ये गोरे लोग कहते हैं ऐसा ह्यूमन राइट्स, ये वो सबसे ज़्यादा राज इन लोगों ने किया है, सबसे ज़्यादा सताया ही इन देशों को इन लोगों ने, और 84% लोग यहाँ पे अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन एथनीसिटी, मतलब अफ्रीका से लाए गए होंगे यहाँ काम वाम करने के लिए, तो वही है अत्याचार तो गोरों ने ही करा है सब पे, और आज सबसे ज़्यादा पीपड़ी भी यही बजाते हैं ह्यूमन राइट्स की। ये एक शिप और खड़ा है, और ये मेरे को लगता है या तो एंटार्क्टिका जाता है या फिर नॉर्थ पोल जाता है, मैंने किसी की तो वीडियो में देखा है ये शिप, मतलब कहीं तो जाता है ये, पक्की बात है। पोनेट पोनेट कंपनी है या नाम पता नहीं, पर ये भी खड़ा है यहाँ पे, हमारा इस हिल के उस तरफ है शिप। टनल में जा रहे हैं, ये वो पहाड़ था ना जो मैं बता रहा था, पहाड़ बीच में और फिर अपना आता है, तो ये टनल उसको ही कनेक्ट करता है, मतलब पहाड़ के नीचे से अब हम शिप पे निकल जाएंगे डायरेक्ट। ये आ गया, ये आ गया अपना शिप। अब यहाँ पे यार जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो टूरिस्ट के हिसाब से अरेंज कर रखे हैं, मतलब बिल्कुल उनको पता है सिर्फ 5-6 घंटे रुकेगा, सब कुछ यहीं से प्रोवाइड कर दो। अब देखते हैं परमवीर अगर ये लेगा या फिर वाटरफॉल चलते हैं, मेरे हिसाब से तो वाटरफॉल जाने में ज़्यादा फायदा है, इस
उसमें इतना फायदा तो लगा नहीं, मेरे को ही मजा नहीं आया, उसको तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक था, मतलब मैं कहूँगा एवरेज 5-10 में से, अगर नंबर देना 5 पैसों के हिसाब से, मतलब $15 में यहाँ पे मिल रहा है तो ठीक है मेरे हिसाब से। भाई ये गाड़ी देखो, मैं आ गया था सुवीनियर की दुकान पे, यहाँ पे $8 से लेकर, मतलब $2 से लेकर $2 तक का भी मैग्नेट है। तो अपन ये वाला ले लेते हैं, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, पता नहीं चल रहा। ये ठीक है, छोटा यार, स्पेस भी कम घेरा क्योंकि हमने टाइम भी कम बिताया कंट्री में, तो उस हिसाब से लेता हूँ हमेशा। भाई मैं तो दोबारा ट्रेन में जा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये कितना पागल है दोबारा $15 दे रहा है, पर ऐसा नहीं है भाई। ट्रेन का ड्राइवर कहता तेरा दोस्त नहीं जा रहा तेरे साथ परमवीर से, तो मैंने कहा भाई मैं जा चुका हूँ, तो कहता दोबारा चल, मैंने कहा यार दोबारा थोड़ी टिकट दूंगा, फिर कहता फ्री में चल भाई ट्रेन खाली है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चल पड़ते परमवीर भाई के साथ। क्यों परमवीर भाई, परमवीर भाई थोड़ी हमको हिस्ट्री बता देंगे, इनकी हिस्ट्री बहुत ताकतवर है भाई, इनके चैनल पे जाके आप देख सकते हो। खुश तो हूँ, लग ही नहीं रहा हमारा सीन। ये है भाई इनका जनरल हॉस्पिटल, और ये सिर्फ इकलौता हॉस्पिटल है पूरे देश में जो कि ट्रीट करता है इमरजेंसी। जिस डिपार्टमेंट में मैंने 6 महीने भी पीछे नौकरी करी थी यूट्यूब छोड़ के, तो ये ट्रीट करता है बस इमरजेंसी, यही हॉस्पिटल यहाँ पे पूरे देश में, ये खड़ी इनकी एम्बुलेंस होगी शायद। भाई हम बस स्टैंड पे, और 7 नंबर बस में बैठना है हमको, और वो वाली जा रही है शायद विंडोम, बोरी विंडोम या विलिस, क्या कहा था, चल पूछ लेते हैं। ये पहुँच गए भाई हम टैक्सी में, अरे $1 की है, मतलब इनके 2.5 लेंगे शायद ही हमसे, 2.5 या 2.70। भाई पूरा फिट हो गए, पिछली सीट पे 5 जने बैठे हैं भाई, 20 जने लोड हो गए हैं टैक्सी में, हम आखिरी रो में, एक ये रो, अगली अगली, उससे अगली, फिर उससे अगली, 5 रो हैं भाई। तो भाई यहाँ पहुँच उतार दिया टैक्सी ने, और सीधा जाना है, तो यहाँ से ये बोली, हमने पूछा वापस तो जाती हैं, और कहती किसी में बैठ जाना वहीं पे छोड़ेंगे आपको, मेन बस टर्मिनल है वो, पर यहाँ से आपको कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं मिलेगी क्योंकि लेके आओगे तभी मिलेगी। तो हम यहाँ से 3:15 हुए हैं, 4 बजे वापस चले जाएंगे, 45 मिनट वाटरफॉल घूम लेंगे यार 45 मिनट वाटरफॉल घूम लेंगे और फिर वापस चलेंगे। राजा ऐसे ऐसे कर, अरे क्या जिम वाले बंदे हैं यार, इनका कभी कुछ लिगामेंट खिंच जाता है, कभी हड्डी टूट जाती है, कभी पैर सो जाता है, क्या फायदा क्या भाई जिम करने का। ये देखो आगे नीचे फेंक दूंगा, काम आ गया भाई आनंद वाले, ये वाले वाटरफॉल जाना है, ऊपर है ऊपर रास्ता, विलिस के आसपास पड़ता है ये, विलिस एक मतलब एक जगह का नाम है भाई यहाँ के, ये वाला वाटरफॉल। और अब हम तौलिया मैंने इसलिए मंगाया था परमवीर से, मेरे को पता था, गूगल पे थोड़ा देखा था, तो इसमें जंप वम्प भी कर ही सकते हैं, मेरे को लगता है इतना पत्थर दिखने लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और यार मतलब एक शांति वाली जगह है, और कोई भी नहीं है हमारे अलावा, बस ये 2 जने हैं और कोई भी नहीं आ रखा। ये करेंसी ना इतने देश यूज़ करते हैं, पर सब देशों को इन्होंने अपनी करेंसी पे इज्जत दे रखी है, पहले तो मैप पे सारे देश छाप के, फिर देखो इस करेंसी पे लिखा है लेस पितोनास सेंट लूसिया, अब ये नहीं पता मेरे को जगह का नाम है या फिर इस बंदे का नाम है। और भाई देखो 100 पे ही लिखा है, ठीक है, अब ये 50 का है, इस पे सेंट किट्स का है, ब्रिमस्टन हिल तो जगह का ही नाम है। फिर है यहाँ पे 20 का, इस पे लिखा है गवर्नमेंट हाउस मॉन्टेसराट, और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भाई क्या ही कर रहा है ये भाई। ये आ गया मंदिर, और भाई बिल्कुल चिल्ड पानी है, मन तो कर रहा है भाई उसके नीचे जाके सिर पे पानी मरवाऊं, पर भाई अभी धीरे धीरे ही जाया जाएगा, फोटो खिंचा लें, बढ़िया आ रही है। तो भाई ये था सबसे ज्यादा वर्थ खाना यहाँ पे, $1 में पहुंच गए, और $2.5 एंट्री, ट्रेन भी ले सकते हो यार, उसका अपना अलग है, ये अपना अलग है, पर यहाँ सही है ना, शांत बिल्कुल, कोई भी नहीं है, क्या पता जब क्रूज रुका तो सारे आ गए हो यहाँ पे,
टैक्सी टूक्सी लेके, पर अभी तो कोई भी नहीं है, तो बढ़िया है यार। देखो परमवीर को कहा मैंने तैर के वहां तक जा भाई। फोटो खींचू तो भाई हो गए अपना नहाना धोना, अब चल रहे हैं वापस। और ग्रेनाडा में दो चार वाटरफॉल हैं, एक तो ये था जो पास ही में है और थोड़े दूर भी हैं, और एक है अंडर वाटर स्कल्पचर, मतलब इन्होंने ना मूर्तियां अंडर वाटर डुबो दी, अब उसको डाइव करके देखते हैं लोग। पर उसका खर्चा मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही होगा, और मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे 4 साल पहले, एक बंदे ने रिव्यू डाल रखा था कि जब डुबोए थे उन्होंने वो चीज़ तब तो सही थे, अब काफ़ी डिस्ट्रॉय वगैरह हो गए हैं। तो ऐसे रूइंस ना बाली साइड या फिर मतलब उस साइड ना असली में भी हैं, मतलब अंडरग्राउंड लॉस्ट सिटीज़ वगैरह, तो जो ओरिजिनल है उनमें जाके देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो मतलब इन्होंने ज़बरदस्ती डुबोए थे ताकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप बन जाए, तो हमारे पास चॉइस किया तो यहाँ जाओ या वहाँ पे, तो हमने ये चुना क्योंकि वो तो थोड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा था, ये सही था। और अपना कितना एंट्री फीस कितनी थी, हमें $2.50 एंट्री फीस, $1 आने का, $1 जाने का, $4.50 में हो गया अपना काम। अब यहाँ से हमारा क्रूज़ है 6.5 किलोमीटर, तो हम चलते रहेंगे क्रूज़ की तरफ। उन्होंने जो वैन आती है ना, ये वाली जो इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये मतलब कहीं पे भी रुक जाते हैं, कोई ऐसा बस स्टॉप वगैरह नहीं है, तो जहाँ पे से आएंगी वैन हम चलते रहेंगे और रुकवा लेंगे उनको। ये भाई ग्रेनाडा का क्रिकेट स्टेडियम, एक ही होगा मेरे को लग रहा है पूरे देश में, इतना बड़ा तो, और काफी फेमस है भाई यहाँ पे, क्रिस गेल वगैरह खेल रखे हैं यहाँ पे। ये देखो लिखा ग्रेनाडा नेशनल स्टेडियम। देखो अब किसी और रास्ते से आए हम और वो खड़ी है अपनी शिप। ये पुराना नोट है भाई, ये सीधा था और ये कागज का था, अब ये प्लास्टिक के आ गए हैं, तो अब मेरे को लग रहा है इंडिया को भी यार प्लास्टिक कर ही देना चाहिए यार, एक तो मतलब फटेंगे कम नोट, और भाई मतलब लाइफ लॉन्ग होगी नोटों की, और प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होएगा, मतलब कौन ही फेंकेगा नोट को, तो है ना। इसके पीछे देखो सारे देश पहले भी बनाए जाते थे। तो भाई घूम के आ गए हैं वापस, और बड़ा मज़ा आया यार ग्रेनाडा में, तो अच्छा लगा मेरे को। देखो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में मतलब उतरते ही ऐसा लग रहा था कि घूमने से का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा भीड़ भड़क्का और सफाई नहीं थी, यहाँ पे सब साफ सफाई थी भाई, सब कुछ था भाई, मतलब यहाँ पे मज़ा आया घूमने में बड़ा। और अब आ गए वापस, 4:35 हो गए, 50 मिनट बचे हैं, और अपना ये शिप खड़ा मस्त सा, और अब चलते हैं इस पर बैठ के। आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा यार, कोशिश करता हूँ जब ये रस्सियाँ खोलेंगे ना उस टाइम का भी दिखाऊंगा मैं आपको कि रस्सियाँ खोलते तो कैसा क्या प्रोसेस रहता है। मेरे हिसाब से 6:15 बजे हम सेलिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, और यार जब चलता है ना शिप पता भी नहीं चलता कब चल गया, दिखाई नहीं पाता इसकी वजह से। मैं तो मैं आज क्या करूँगा 5:30 वाले डिनर स्लॉट में जाके खा लूँगा, सीधा मेन कोर्स वहाँ भी खा लूँगा, और 9 बजे फिर वहाँ भी खा लूंगा दूसरे वाले रेस्टोरेंट में, मतलब थोड़ा बहुत अगर मन सा गया तो मीठा विठा खाने का। ठीक ठीक के सबको स्कीम बता दे। हाँ तो भाई यही तो है, 4-5 आप पूरे
कोई ऐसा घंटा नहीं है इस क्रूज पे जो आपको खाने को नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ये पूल के पास टावल मिलते हैं पर ये वापस करने पड़ते हैं, अगर नहीं करोगे तो आपके कार्ड जो स्वाइप हुआ है, मतलब जो ये हमारे रूम का कार्ड है, उसे $25 चार्ज लग जाएगा। आज भी शिप चला और मेरे को पता ही नहीं चला भाई, इतना साइलेंट चलता है ना कि रूम में तो कुछ पता ही नहीं चलता। इस साइड हो रहा है सनसेट, कुछ खास नहीं है, सनसेट नॉर्मल है, ऐसा कई बार देख रखा है मैंने तो मेरे लिए नॉर्मल है। वो रहा अपना ग्रेनाडा और बहुत ही स्लो स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब 7 नॉटिकल माइल्स। तो भाई आज की वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक। आज ग्रेनाडा की आपने वीडियो देखी होगी, जितना हम 5-6 घंटे में घूम पाए, तो अच्छा देश था, लोग अच्छे लगे मेरे को काफ़ी, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन वाली बात सही है, तो ग्रेनाडा के लोग मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और अब हम निकल चुके अपनी अगली कंट्री के लिए, सेंट विंसेंट्स एंड ग्रेनेडियस, ग्रेनेडियस कुछ ऐसा ही नाम है, लंबा सा नाम है, कंट्री छोटी सी है। और ग्रेनाडा इससे सेंट विंसेंट है 176 किलोमीटर दूर। तो कैप्टन और नॉटिकल माइल्स बताऊं तो एक तो होता है किलोमीटर, एक होता है माइल्स, एक होता है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स यूज़ करते हैं शिप वाले लोग, नॉटिकल माइल्स में स्पीड बताएंगे सबसे ज़्यादा, मतलब नॉटिकल माइल्स होता है किलोमीटर का डबल मान लो आप, तो 96 नॉटिकल माइल्स हैं यहाँ से। तो कैप्टन कहता है कि हम अभी चल रहे हैं और हम, मतलब हमको सिर्फ 7.5 नॉटिकल माइल की स्पीड की ज़रूरत है। कल मेरे को परमवीर ये भी बता रहा था कि भाई वो कल रात को 11-12 बजे ऊपर आया था, तो तब शिप खड़ी भी हुई थी, उसने मैप पे देखा था टोबैगो और ट्रिनिडाड के बीच में खड़ी हुई थी, तो ये ऐसे भी कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इनको पक्की बात है रेंट देना पड़ता होगा हार्बर का, तो वो कम से कम लगे इनका, और मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हों, तो 8-1 बजे हार्बर पहुँचाते हैं और 5-6 बजे के करीब निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये था अपना ग्रेनाडा, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।